गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू SRS IAS एंड लॉ अकेडमी। आज की जो हमारी करंट अफेयर की न्यूज होगी ये स्पोर्ट्स से रिलेटेड होगी, और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ऑफिशियल रिकॉग्निशन टू ई स्पोर्ट्स। तो देखते हैं सबसे पहले ये न्यूज में क्यों है। तो रिसेंटली जो हमारे इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर जो है उन्होंने अमेंड किया है रेगुलेशंस गवर्निंग ई स्पोर्ट एंड रिक्वेस्टेड दैट द स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री एंड मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंक्लूड ई स्पोर्ट्स इन मल्टी स्पोर्ट इवेंट। बेसिकली ये जो आपका ई स्पोर्ट्स जो है उसको मल्टी स्पोर्ट इवेंट में इंक्लूड करने की इन्होंने बात की है। प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया ने बेसिकली इन्होंने अमेंड की है रेगुलेशंस, जिससे जो आपके ई स्पोर्ट्स हैं बेसिकली जो आप ऑनलाइन गेम्स वगैरह जो खेलते हो, जैसे कॉल ऑफ ड्यूटी होगी, पबजी होगी या फिर काउंटर स्ट्राइक होगी या दूसरी ऐसी गेम्स होगी, अब उनको भी जो है ई स्पोर्ट्स में इंक्लूड कर लिया जाएगा। प्रेजिडेंट के पास अंडर आर्टिकल 77 क्लॉज 3 के तहत प्रेजिडेंट जो है उनके पास पावर होती है कि वो ऐसे रूल्स बना सकते हैं जिससे कि कन्वीनियंस हो सके ट्रांजेक्शन में, किसके ट्रांजेक्शन में, ट्रांजेक्शंस ऑफ द बिजनेसेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड फॉर द एलोकेशन अमंग मिनिस्टर्स टू द सेट बिजनेस। अकॉर्डिंग टू अ गैजेट नोटिफिकेशन, ई स्पोर्ट विल नाउ बी अ पार्ट ऑफ मल्टी स्पोर्ट इवेंट कैटेगरी इन इंडिया। जैसे आप देखते हो ना कि मल्टी स्पोर्ट इवेंट जो है होते हैं, जैसे 400 मीटर रेस हो गई या ये सब हो गए, तो अब से ई स्पोर्ट भी जो है उसको भी पार्ट बना लिया जाएगा आपका मल्टी स्पोर्ट इवेंट का। तो देखते हैं सबसे पहले ई स्पोर्ट्स के बारे में अब देख लेते हैं कुछ। ई स्पोर्ट्स या फिर इलेक्ट्रॉनिक स्पोर्ट इज अ कॉम्पिटेटिव स्पोर्ट वेयर गेमर्स यूज देयर फिजिकल एंड मेंटल एबिलिटी टू कम्पीट इन वेरियस गेम्स इन वर्चुअल और इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट। तो बेसिकली जो मैंने आपको बताया था कि जैसे ये काउंटर स्ट्राइक हो गई या लीग ऑफ लेजेंड्स हो गई, ओवरवॉच हो गई, फोर्टनाइट हो गई या डॉटा 2 हो गई, तो इस तरीके की गेम्स जो है उनको ई स्पोर्ट्स जो है वो कहा जाता है। ठीक है, जो गेम्स आप वर्चुअली खेलते हो या इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स की मदद से जो गेम्स आप खेलते हो, तो उनको जो है इलेक्ट्रॉनिक स्पोर्ट्स की कैटेगरी में रखा जाता है। There had been a growing demand for e-sport to be included in curriculum of multi-discipline events after it was included in 2018 Jakarta Asian Games. तो जो 2018 में जकार्ता एशियन गेम्स जो है वो हुई थी, उसमें जो है ई स्पोर्ट्स जो था उसको इंक्लूड किया गया था, तो उसी के बाद से ई स्पोर्ट्स की डिमांड जो है वो बढ़ गई थी। दिस हाउएवर बूस्टेड ई स्पोर्ट एंथुजियास्ट एंड हैज कम एज अ शॉट इन द आर्म ऑफ ई स्पोर्ट्स एंथुजियास्ट इन इंडिया। इंडिया वन अ ब्रॉन्ज मेडल इन 2018 एशियन गेम्स। इंडिया ने जो है एशियन गेम्स 2018 उसमें ब्रॉन्ज मेडल जो है वो जीता था। ई स्पोर्ट वॉज इंक्लूडेड एज अ डेमोन्स्ट्रेशन टाइटल, वहां पे जो है ई स्पोर्ट्स को एज अ डेमोन्स्ट्रेशन जो है उसमें इंक्लूड किया गया था और इंडिया ने उसमें ब्रॉन्ज मेडल जो है वो जीता था। इट हैज रिसीव्ड अ स्पोर्टिंग रिकॉग्निशन फ्रॉम द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। तो इसको जो है इन्होंने जो है रिकॉग्निशन इसको ई स्पोर्ट्स को मिल गई है आईओसी के द्वारा। आईओसी क्या है आपका? इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। तो बेसिकली इनको जो है ओलंपिक्स में इंक्लूड करने की भी बात जो है वो की जा रही है, विच इज द एपेक्स बॉडी फॉर स्पोर्ट्स अलॉन्ग विद ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया, कॉमनवेल्थ गेम्स एटसेट्रा। तो कॉमनवेल्थ गेम्स जो है उसमें भी ई स्पोर्ट्स जो है उसको इंक्लूड किया जा सकता है बहुत ही जल्द, और जो आपके ओलंपिक्स जो है उसमें भी इसको इंक्लूड करने की बात जो है वो की जा रही है। आईओसी ऑर्गेनाइज्ड वर्चुअल ओलंपिक सीरीज। आईओसी ने जो है एक वर्चुअल ओलंपिक सीरीज जो है वो ऑर्गेनाइज की थी, जिसका नाम रखा था ई स्पोर्ट्स टूर्नामेंट बिफोर द टोक्यो ओलंपिक्स 2022। इनके पहले ई स्पोर्ट्स हैज बीन इंक्लूडेड इन ओसीए इवेंट सिंस 2007। 2007 से इसे जो है ओसीए इवेंट्स में इंक्लूड किया जा रहा है। ई स्पोर्ट इज अ मेडल स्पोर्ट इन एशियन गेम्स, और 2022 की जो एशियन गेम्स जो थी उसमें इसको मेडल स्पोर्ट्स की तरह इंक्लूड किया गया था ई स्पोर्ट्स में। इन अ सिमिलर एफर्ट टू पॉपुलराइज ई स्पोर्ट्स, द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी हैज अनाउंस्ड दैट सिंगापुर विल होस्ट द इनॉग्रल ओलंपिक ई स्पोर्ट वीक इन जून 2023। तो जून 2023 में जो है जो सिंगापुर जो है वो इसको इनॉग्रल करेगा ओलंपिक ई स्पोर्ट्स वीक को। अब जो है ये जो हमारा ई स्पोर्ट जिसको हम इंक्लूड करने जा रहे हैं, तो इसमें नोडल मिनिस्ट्री जो है वो कौन सी रहेगी? तो ई स्पोर्ट विल बी टेकन केयर ऑफ बाय द डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। तो यहाँ पे ये जो है आपको कंफ्यूज कर सकते हैं क्वेश्चंस, जो तो आपका ई स्पोर्ट्स है ना वो कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर होगा? वो मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के अंदर होगा, लेकिन जो ऑनलाइन गेम्स होंगी
या ऑनलाइन गेमिंग जो होगी वो किसके कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा देखी जाएगी? माइटी के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो ये दोनों के बारे में पता होना चाहिए आपको, कंफ्यूज नहीं होना है यहाँ पे कि जो ई स्पोर्ट्स की जो नोडल मिनिस्ट्री होगी वो होगी मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, और जो ऑनलाइन गेमिंग जो है उसकी जो मिनिस्ट्री होगी वो होगी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अब देखते हैं रिकॉग्निशन जो है ई स्पोर्ट्स को एज अ स्पोर्ट जो है रिकॉग्निशन कहां कहां पे मिला हुआ है और कौन कौन सी कंट्रीज जो है उन्होंने इसको रिकॉग्नाइज किया हुआ है। बाय नाउ कंट्रीज सच एज यूएस, फिनलैंड एंड इवन समवट जर्मनी हैव एक्नॉलेज्ड ई स्पोर्ट्स एज अ स्पोर्ट। तो ये तीन कंट्रीज जो है इन्होंने ऑलरेडी इसको रिकॉग्नाइज कर लिया है कि ई स्पोर्ट्स को भी स्पोर्ट्स में इंक्लूड कर लेना चाहिए। द वेरी फ्यू नेशंस The very first few nations along with South Korea to recognize e-sport as a sport were China and South Africa. तो China, South Africa और जो South Korea जो है इन्होंने सबसे पहले ऐसे nations जो थे जिन्होंने e-sports को जो है sports में include recognize किया था। उसके अलावा रशिया, इटली, डेनमार्क, नेपाल हैव ऑल्सो ज्वाइंड। रिसेंटली जो आपका यूक्रेन जो है उसने भी सितंबर 2020 में ई स्पोर्ट्स जो है उसको स्पोर्ट्स की कैटेगरी में इंक्लूड कर लिया है। मतलब वो रिकॉग्नाइज करते हैं कि ई स्पोर्ट्स भी स्पोर्ट्स की कैटेगरी में ही आता है। तो आज की जो हमारी क्लास थी वो ई स्पोर्ट्स के बारे में थी। इस क्लास के जो नोट्स हैं वो आपको सेंड कर दिए जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे, और जो हमारे वेरियस व्हाट्सएप ग्रुप्स जो हैं वहाँ पे भी इसके नोट्स जो हैं वो सर्कुलेट कर दिए जाएंगे। उसके अलावा हमारे वेरियस कोर्सेज के बारे में इन्फॉर्मेशन लेने के लिए आप स्क्रीन पे दिए नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो आज की जो क्लास थी वो यहीं तक थी। थैंक यू सो मच।